आष्टा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत करमनखेड़ी ने वैक्सीनेशन कार्य में सबसे पहले बाजी मार ली। जनपद पंचायत के CEO DN पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत के प्रधान अर्जुन सिंह ठाकुर, सभी पंच, BLO, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोतवाल की मेहनत से आष्टा जनपद ने सबसे पहले बाजी मारी। ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मैदानी स्टाफ की कड़ी मेहनत एवं लगन के कारण आष्टा विकास खंड की इस ग्राम पंचायत करमनखेड़ी ने सबसे पहले सभी पात्र लोगों को वैक्सीनेशन COVID-19 का टीका लगाकर 100% वैक्सीनेशन होने वाली पंचायत में सर्वप्रथम अपना नाम दर्ज कराया है। संदेश ये मिला कि शुरू में 6 बार हमारे यहाँ टीका लगा। स्टार्टिंग में कुछ लोगों में भैंसा माहौल था, फिर धीरे धीरे युवाओं ने, गाँव के और BLO ने, GRS ने, सचिव महोदय ने और सारे साथियों ने मिलकर, पंच, उप सरपंच सब ने मिलकर धीरे धीरे उनको मोटिवेट करा। स्टार्टिंग में 2-3 बार तो डरे, उनमें डर सा माहौल हुआ, फिर धीरे धीरे उनको सारे को समझ में आया। और 26 तारीख के दिन सारे ने एक एक घर जाके बड़ा, मतलब उनको सुबह से, फिर कोतवाल ने भी, हमने सबने जाके उनको समझाया और सारे ऐसा उत्साहपूर्वक उन्होंने फिर आगे रह के खुद ने, फिर आखिरी में हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ने थी, आखिरी में जो भी रह गए थे सारी वोटर लिस्ट जो जो लगते गए उसको हम निशान भी लगाते गए और जो रह गए उनको फिर हमने सूचना भी दी। तो फिर उनने आखिरी के दिन जो रहे थे उनने बड़ा उत्साहपूर्वक आके सभी ने वैक्सीन लगवाई। बिल्कुल सारे जो भी पात्र व्यक्ति है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन्हें को उन्होंने डॉक्टर की टीम थी वहाँ पे, उन्होंने वहाँ उन्होंने नापा उनका, जिनका ब्लड प्रेशर या अलग था, उन व्यक्तियों को छोड़ के जो भी पात्र व्यक्ति थे उनको सभी को ही वैक्सीनेशन हो चुका है। ग्रामीणों का क्या कहना है इसको लेकर? ग्रामीणों में बड़ा उत्साह है और दूसरे गांव के लोगों ने भी, आइट साइड की पंचायत जैसे मुंडला पंचायत है वहां के लोगों भी फिर धीरे धीरे आके लगाने लगे। हन्नावदा पंचायत है, गौखड़ी के लोग है, कुरावर पंचायत के भी लोग, क्योंकि वहाँ रेगुलर चलता रहा और उनके देखे देखे जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं लगाने, तो गाँव वाले लोगों को भी थोड़ा लगा, तो उनने फिर बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सीहोर आष्टा से UD News के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।